इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि बिहार में जो है जमीन का जो सर्वे किया जा रहा है, यानी भूमि का जो सर्वे किया जा रहा है। तो सर्वे के लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने वाला, ठीक है। यानी सर्वे के लिए, सर्वे कराने के लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से भी फॉर्म को फिलआउट कर सकते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलआउट करने के लिए इसका वेबसाइट पर चलेंगे, ठीक है। dlrs.bihar.gov.in साइट पर चलेंगे। साइट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको एक मिलेगा बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको अगला पेज खुलेगा और यहाँ पे रह द्वारा स्वामित्व धारित भूमि सो घोषणा प्रपत्र ए वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म खुलेगा और ऊपर देखने को मिलेगा रह द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की सो घोषणा वंशावली हेतु प्रपत्र, ठीक है। प्रपत्र 2 एंड प्रपत्र 3(1) आपको यहाँ पे विवरना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से खुलेगा तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपना स्टेट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चूज कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिलआउट करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आई डी डाल भी सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल पर एक OTP जाएगा, ठीक है। और OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कीजिएगा तो फिर से आपको अगला आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। फिर से यहाँ पे सर्कल आपको चूज करना है, ठीक है। उसका देखिए मौजब आपको बताना होगा, उसका देखिए CV आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खाता नंबर डालेंगे, जो भी आपका जमीन का खाता है खाता नंबर डालेंगे। यहाँ पे खेसरा नंबर डालेंगे, यहाँ पे होल्डर नेम, ठीक है। यहाँ पर जिनके नाम से जमीन है उनके यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है। उसका देखिए और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और भी यहाँ पे जमीन का जानकारी देना चाहते हैं तो फिर ऐड वाला ऑप्शन है, ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके खाता संख्या खाता संख्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है तो पर लिखा गया है कि अपलोड पर्पट 2 एंड पर्पट 3(1), ठीक है। यानी ये दो को फॉर्म है यहाँ पे भर के अपलोड करना है। PDF हमने PDF फाइल में अपलोड करना है, कम से कम 3 MB तक यहाँ पे अलाउ किया गया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे ये वाला फॉर्म, ये जो फॉर्म देख रहे हैं पर्पट 2 हो गया, ये वाला फॉर्म फिलआउट करके और भर के यहाँ पे अपलोड करना है। और इस दूसरा ये जो फॉर्म है वंशावली के लिए, ये वाला वंशावली फॉर्म है भर के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म है पर्पट 2 और पर्पट 3A, ये दोनों को भरकर और यहाँ पे आके अपलोड करना होगा, ठीक है। और नीचे में आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव कर देंगे, ठीक है। तो अपना है इस तरह से फॉर्म को फिलआउट कर सकते हैं सिविल में। अगर ऑफलाइन से माध्यम से भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिलआउट कर लेंगे, भर लेंगे अपना, ठीक है। और भर के जो आप जहाँ आपका सिविल लग रहा है आपके गांव में या आपके पंचायत में, वहाँ पे जाके यहाँ पे तो वहाँ पे जाके आप जमा यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ से आवेदन, नहीं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया भूमि जमीन सर्वे के लिए फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो का ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।